Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल है और आसान तरीके से हम लोग जो है ना अपनी इस खूबसूरत से अपने विंग आईलाइनर को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोग मुझे देख सकेंगे मैं किस तरह से अपना आईलाइनर ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। और भाई लास्ट तक ज़रूर आप लोगों ने देखना है, स्किप नहीं कीजिएगा। तो जी चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने अपना आई बेस वगैरह सब तैयार करके रखा हुआ है और अब ये देखें मैं यहाँ पर फेस कॉम्पैक्ट से अपने जो है वो बेस को रेडी कर रही हूँ। अब यहाँ पर आई बिल्कुल कंप्लीट है और इसके अलावा जो है मैंने इसको आईब्रोज को अपनी फिलअप करने के लिए यहाँ पर शेप दे रही हूँ। आज मैं यूज़ कर रही हूँ स्वीट फेस का आईलाइनर ब्लैक में। आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर ले सकते हैं लेकिन ब्लैक एक अच्छी डिफाइंड लुक देता है। तो यहाँ पर अपनी आईब्रोज को फिलअप कर रही हूँ मैं और फिलअप करने के लिए छोटा सा पतला सा एक मैंने ब्रश ले लिया है जिसकी मदद से मैं अपनी आईब्रोज फिल कर रही हैं और शेप भी दे दिया है। अब यहाँ पर बारी आती है स्वीट फेस का लाइनर अप्लाई करने की और बहुत ही प्यारा खूबसूरत इनका ये प्रोडक्ट मुझे लगा है। किसी भी तरह का आईलाइनर आप जो बनाना चाहते हैं, जिस भी तरह से क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं। पतले से पतला, मोटे से मोटा लाइनर जो है ना बहुत हर तरह से हम लोग को यूज़ कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपना जो है आईलाइनर लगाने का तरीका। तो जी शुरू करेंगे हम अपना प्यारा सा खूबसूरत सा अपना आईलाइनर विंग स्टाइल में बिल्कुल ही सिंपल और आसान तरीके से। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि हम जो है नहीं कर सकते, हमें तो भाई आता नहीं है। नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो बस ये तरीका जो हम लोग लगाने का होता है बस ये हमें थोड़ा सा फॉलो करना होता है। तो अपनी लैश लाइन को जो है हमने इसको फॉलो करते हुए एक पतली सी लाइन ड्रॉ करनी है अपने ऊपर लैश लाइन के इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर तक। कोशिश करें कि लैशेस के बिल्कुल करीब रहें, इससे आपकी जो लैशेस हैं फुलर लगेंगी और एक नेचुरल इफेक्ट लगेगा। देखिए कैसा लग रहा है, सिंपल और स्वीट। अब जहां पर हमने अपनी लाइन को ख़त्म किया है इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर तक, तो इसी पर अपनी जो है मार्कर की जो पेंसिल के लिए निप है हमारे जो लाइनर की, उससे हल्का सा विंग स्टाइल करने के लिए उसी लाइन को हमने थोड़ा सा आगे की तरफ निकाल देना है, हल्का हल्का सा बढ़ाना है, बिल्कुल ही धीमे स्लो स्लो करके, कोई भी जो है ना जल्दबाजी नहीं करनी। ये देखें हमारी जो लाइन है वो हमने बाहर की तरफ थोड़ी सी निकाल दी है ताकि हमारा जो लाइनर है वो हमने विंग स्टाइल में जो है ना देना है। तो ये देखें आप, अब इसी को जो है ना इसी निप को हमने उसी लाइन पर रख करके हमने वापस से इसकी तरफ मोड़। अब दूसरे आईज पर भी हमने वही करना है, याद रहे आराम से और धीरे धीरे से। जब दोनों आई लाइन हो जाएं आपकी तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको थोड़ा विंग आउट करना है या नहीं फॉर अ मोर ड्रामेटिक इफेक्ट। छोटी विंग के लिए आउटर कॉर्नर से थोड़ी सी ऊपर की तरफ एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को वापस एक छोटी सी ट्राइंगल बनाने के लिए इसे जेंटली फिल करेंगे। और ये लो जी एक स्वीट और सिंपल आईलाइनर लुक जो परफेक्ट है एवरीडे वेयर के लिए। तो जी कैसा लग रहा है आज आपको हमारा ये सिंपल और बहुत ही प्यारा सा लाइनर विंग स्टाइल में, तो आप लोगों ने कमेंट में जरूर मुझे बताना है। अब यहाँ पर बारी आती है जी वाइट पेंसिल की, मोस्ट फेवरेट मेरी वाइट पेंसिल जो कि है रिवाज की, तो हम यहाँ पर यूज करने लगे हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे थम्स अप दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स। बाय फॉर नाउ। मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलिएगा फॉर मोर अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।